14. Look into the figures. हमें पूछा है कि n या n से पैरेलल है कि नहीं. तो फिगर देख के ही हमें पता चल रहा है कि एक थोड़ी सी स्लैंट लाइन है, राइट. वैसे ही हम बता सकते हैं कि वो n पैरेलल टू m नहीं है. बट लॉजिकली यहाँ पे हमें रीजन भी देना पड़ता है कि क्यों पैरेलल नहीं है, राइट. सो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर के एंगल दिए हैं उसके ऑल्टरनेट एंगल हमेशा जब पैरेलल लाइंस होती है तो सेम होते हैं, राइट. बट यहाँ पे they are not same, 85 and 70 अलग अलग है, right? एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट क्या होता है, एक इस तरफ का तो एक इस तरफ का, right? एक्सटीरियर में बाहर के दोनों इट शुड बी सेम, बट यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है. दैट मीन्स दिस बोथ लाइंस आर नॉट पैरेलल. नेक्स्ट इज एल पैरेलल टू एम है कि नहीं वो हमें चेक करना है. तो ये दोनों एंगल्स बाहर के ही हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं, उन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. यहाँ पे भी देखने से पता चल रहा है कि वो पैरेलल ही है, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. वी एस्टीमेट ओनली लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट. सो दिस इज द फिगर. Linear मतलब ये लाइन स्ट्रेट है, यस. सो 1 एंड 5, राइट. अगेन दिस टू लाइंस, दिस लाइन इज स्ट्रेट, सो 4 एंड 5, ओके. बाकी सब स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रहे. देखो ये लाइन पूरी कहां जा रही है, राइट. यहां पे पूरा बाउंड्री नहीं है. नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स, ये दोनों ना सिर्फ बिकॉज 5 के सामने वाला 3 एंड 2 आधा आधा हो गया, राइट. 5 के सामने वाला 3 एंड 2 आधा आधा हो गया, तो वी कैन नॉट राइट फुल